नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। योगासन को भारत में प्रतियोगी खेल के रूप में मिली औपचारिक मान्यता। आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर योगासन को एक प्रतियोगी खेल के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि योगासन को खेलो इंडिया गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा, हम इसे नेशनल गेम्स में भी शामिल करेंगे। सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील को 31 जनवरी तक बढ़ाया। सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि बाजार में प्याज की उच्च कीमतों पर जनता की चिंता के मद्देनजर इस छूट को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को प्याज आयात के नियमों में 15 दिसंबर तक ढील दी गई थी। दिल्ली घराने के शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद इकबाल अहमद खान नहीं रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली घराने के शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हुआ। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली के समृद्ध संगीत इतिहास के ज्ञाता व एक नेक दिल्ली गुरु की कोई तुलना नहीं है। भारत में पबजी मोबाइल ऐप के दोबारा लॉन्च के लिए कोई अनुमति नहीं। GEM स्पोर्ट्स द्वारा दायर एक RTI के जवाब में IT मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने देश में पबजी मोबाइल ऐप के दोबारा लॉन्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। इससे पहले दावा किया गया था कि सितंबर में सरकार द्वारा बैन किया गया पबजी मोबाइल ऐप विशेष रूप से भारतीयों के लिए लॉन्च होने वाला है। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। PSLV-C50 लॉन्च व्हीकल ने CMS-01 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है, जो आपदा प्रबंधन और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन के लिए सूचना प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 1964 के बाद AMU के कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित हो रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से पहले वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री AMU के दीक्षांत समारोह में शरीक हुए थे। JDU भी लड़ेगी बंगाल में चुनाव, 75 सीटों पर नीतीश उतारेंगे उम्मीदवार। उधर बंगाल चुनाव में इस बार BJP भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और अभी हाल ही में हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी ने भी बंगाल चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोलने की बात कही थी। नक्सल प्रभावित इलाके में पहाड़ काटकर दो ग्रामीणों ने बनाया रास्ता। झारखंड के भेलवा घाटी गांव के दो शख्स इस्लाम मियां और डोमन मियां ने यह कारनामा कर दिखाया। जहां चाह वहां राह वाली कहावत यह सही साबित हुई। इस नए रास्ते की बदौलत प्रखंड बोगी बरमोरिया स्थित लगभग 70 गांव के ग्रामीणों का मड़वा पहाड़ी में जमुई जिला मुख्यालय की दूरी घटकर महज 55 किलोमीटर ही रह गई। कृषि कानून के विरोध में 19 दिसंबर को UP में बागपत के बड़ौस से खोला जाएगा मोर्चा। खाप चौधरी बोले, अवार पार की होगी लड़ाई। कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर और UP गेट पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा अब दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत में औद्योगिक पुलिस चौकी पर खोला जाएगा। 19 दिसंबर का दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया जाएगा। किसान अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अफगानिस्तान को भारत से दूर करने की फिराक में इमरान, तालिबान शांति वार्ता को लेकर डाल रहे डोरे। खबर है कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान सरकार की चल रही वार्ता प्रक्रिया के प्रति पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से अपना समर्थन जताया है। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।